अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बायो 401 का क्विज़ 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने 4 क्विज़ जो है किए हैं, यानी वो तकरीबन 40 बनते हैं, जिनमें से एक दो जो गायब है वो जो हर बार ही मेरी क्विज़ में से गायब हो जाते हैं। तो ये जो क्विज़ है इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं, और इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, 1K तो कर ही दें, मेरे फाइनल से पहले पहले 1K सब्सक्राइबर कर दें, ठीक है। तो जो क्वेश्चन 1 है इसमें है कि इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द डिग्री टू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। तो क्या होती है? कोरिलेशन होती है। कोरिलेशन वो स्टैटिस्टिकल डिग्री है जो हम दो वेरिएबल्स को रिलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये जो मल्टीपल रिलेशन है वो एक से ज़्यादा होते हैं, दो से ज़्यादा हो अगर, सॉरी, दो से ज़्यादा वेरिएबल हो तो वो तब इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्स रिलेशन भी नहीं आएगा, रिग्रेशन भी नहीं आएगा, ठीक है। कोरिलेशन इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो तीसरा क्विज़ है कि द स्पेशल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी द इवेंट मस्ट बी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो रूल है उसका जो इवेंट्स हैं वो मस्ट बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना करते हों, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? ए है। उसके बाद है कि इन अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द डिग्री टू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड इज कॉल्ड कोरिलेशन। ये है कि क्विज़ एक ही, यानी एक ही जो क्वेश्चन है वो एक ही क्विज़ में दो बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है कि यू कैन सेव द फाइल इन डिफरेंट फॉर्म्स बाय क्लिकिंग सेव एज टाइप। सेव एज टाइप का पर अगर आप क्लिक करें तो आप जो है कोई भी फाइल को जो डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं सिंपली, ठीक है। उसके बाद है कि इन पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी और वेरिएंस है वो डिस्ट्रीब्यूशन में सेम होती है, ठीक है। इस को आपने थोड़ा सा कंफर्म करना है, मैंने अपनी तरफ से पूरा कंफर्म किया, सी लगाया है, आप भी थोड़ा सा कंफर्म करके इसका राइट आंसर पता करें और मुझे भी कमेंट में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। उसके बाद आया कि द फोर विंडोज़ इन SPSS आर वन डाटा एडिटर, आउटपुट व्यूअर, साइंटेक्स एडिटर एंड अ स्क्रिप्ट विंडो। ये राइट आंसर है, इसका ए है, स्क्रिप्ट विंडो इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद है क्या, इन द स्पेशल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी द इवेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ये एक ही क्विज़ में दो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने है। उसके बाद है कि ओरिजिनली इट इज़ एक्रोनिम ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज, बट नाउ इट स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशन। जो पहले वाला क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशंस, स्वेयर सॉल्यूशन नहीं है ये, स्वेयर नहीं, सर्विस सॉल्यूशंस है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए है। उसके बाद है कि यूजिंग अ वेरिएबल एक्स टू प्रोडक्ट सम आउटकम वेरिएबल, रिग्रेशन हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, वेरिएबल एक्स जो होता है वो हमारे पास होता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं और उससे हम जो आउटकम होती है वेरिएबल वाई वो निकाल लेते हैं। दूसरा क्वीज है, उसमें दूसरा क्वेश्चन है कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ अ मेजर ऑफ कोरिलेशन नॉन पैरामेट्रिक। तो स्पीयरमैन रैंक ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो क्या है? नॉन पैरामेट्रिक है। उसके बाद है कि एस्टिमेट रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल, मोर देन टू वेरिएबल्स की बात हो रही थी, कौन सी कोरिलेशन इस्तेमाल होगी? मल्टीपल कोरिलेशन। राइट आंसर क्या है? ए है। ये स्टैटिस्टिक कल टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द डिग्री टू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड इज कॉल्ड कोरिलेशन, मेजर द नेचर एंड स्ट्रेंथ बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ द क्वांटिटेटिव टाइप। यानी नेचर को मेजर करना और स्ट्रेंथ को, कौन सी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं? सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, ठीक है। राइट आंसर क्या है? सी वाला। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द टेक्निक कंसर्नड विद प्रेडिक्टिंग सम वेरिएबल्स बाय नोइंग अदर। जैसे कि पिछले ये क्विज आया था कि हम एक्स को यूज़ करते हैं वाई को प्रेडिक्ट करते हैं, तो सेम वही है, टेक्निक वही है, किसकी? रिग्रेशन की। राइट आंसर क्या है? ए है। उसके बाद है कि दिस शीट इज विच इज़ विजिबल व्हेन यू फर्स्ट ओपन द डाटा एडिटर एंड दिस शीट कंटेन्स द डाटा, डाटा व्यू विंडो, डाटा व्यू विंडो कंटेन होती है, डाटा व्यू विंडो में तब हमें ओपन होती है जब हम डाटा एडिटर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद है कि दी ए गिवन बी इज इक्वल टू दी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवाइडेड बाय दी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोवाइडेड बाय दी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ नॉट ज़ीरो। यानी कि ए और बी दो गिवन इक्वल हैं, ठीक है, अगर जो डिवाइडेड बाय दी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोवाइडेड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ नॉट ज़ीरो। यानी अगर हम इससे की जो इक्वल है इस ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी उसको डिवाइड करें बी की प्रोबेबिलिटी पर, फिर जो प्रोबेबिलिटी हमें बी प्रोवाइड करेगा वो क्या होगी?
वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। राइट आंसर क्या है, बी है। उसके बाद है कि सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ आल्सो कॉल्ड एज पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये जो पिछला क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, इसको आपने कंफर्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, यू कैन सेव द फाइल इन डिफरेंट फॉर्म्स बाय क्लिकिंग एज सेव एज टाइप। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है कि एस्टिमेट्स रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है कि इन कर्टिसेस न्यूमेरिकल मेजर्स आर मेड ऑफ सिक्योनेस। कर्टिनेस जो है उसमें न्यूमेरिकल मेजर जो मेड होते हैं किसके बने होते हैं, वो सिक्योनेस के होते हैं, जिसमें प्लेटो कर्टिक मेजो कर्टिक वो वगैरह आ जाते हैं सारे। जो है कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशेंट है वो इसका मेजर है, नॉन पैरामेट्रिक मेजर ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है। इसमें बायो 401 में बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, मैं आपको बार बार बताता हूँ। इसमें क्यूज़ रिपीट होता है, इसमें सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो भी रिपीट होता है, जैसा कि मीटर में सारा सब्जेक्टिव पोर्शन जो रिपीट होता रहा था। तो वो आपने क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको मालूम होता है फाइनल टर्म में कि ये क्वेश्चन किसी दोस्त के पास आया है, तो उसको आपने बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना, उसको अच्छे तरीके से याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि ओरिजिनली इट इज़ एन एक्रोनिम ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर दी सोशल साइंसेज। जो SPSS की बात हो रही है वो पहले क्या होता था, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर दी सोशल साइंसेज, बट नाउ अब इसे क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशंस, जो राइट आंसर क्या है, ए है। उसके बाद है कि इन द स्पेशल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी द इवेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट। मल्टीप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी के रूल में इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, फिर ही मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई होगा। इन पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी एंड द वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम। राइट आंसर क्या है, डी है। इसको पहले बताया, कन्फर्म करना है, आपने इसको कन्फर्म कर लेना, ठीक है। उसके बाद है कि इज़ अ स्टैटिस्टिकल यूज टू डिटरमाइन द डिग्री टू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड इज कॉल्ड कोरिलेशन। और रिग्रेशन टेल्स अस हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द कोरिलेशन, यानी रिग्रेशन जो है वो जो कोरिलेशन है वो डिस्क्राइब करती है स्ट्रेट लाइन को, लेकिन जो रिग्रेशन है वो हमें बताता है कि किस तरह उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये होता है रिग्रेशन और कोरिलेशन का आपस में तल्लक। उसके बाद है कि द शीट इज़ विच इज़ विजिबल व्हेन यू फर्स्ट ओपन द डाटा एडिटर एंड दिस शीट कंटेन्स द डाटा डाटा व्यू विंडो। डाटा एडिटर जो तब ओपन होता है जब हम डाटा व्यू विंडो देखते हैं। SPSS में उन्होंने कहा है कि जो एनालिसिस कर रहा है मैक्सिमम मिनिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, मैंने लगाया है, आप इसको थोड़ा सा जो है कंफर्म कर लेना, ठीक है। मैंने अपनी कोशिश तो की है लेकिन आप भी इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, क्योंकि जिस क्विज पर मुझे थोड़ा सा शक होता है मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद है सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज आल्सो कॉल्ड एज पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये राइट आंसर है, इसका क्या ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है इसका राइट है, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बी रेफर्स टू, यहाँ पर ये रिग्रेशन इक्वेशन है तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट को बयान कर रहा है जो बी है, ठीक है। इसको भी आपने कंफर्म कर लेना है, ठीक है। ये टोटल चार क्विज हो गए जो आपने कंफर्म करने हैं, तो ये अगर आप चार क्विज भी कंफर्म नहीं कर सकते तो फिर आप पूरे नंबर कैसे ले सकते हैं। उसके बाद है कि द फोर विंडोज़ इन SPSS आर डाटा एडिटर आउटपुट व्यूअर सिंटैक्स एडिटर एंड चौथी जो है वो कौन सी विंडो है, वो है स्क्रिप्ट विंडो। स्क्रिप्ट विंडो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, स्क्रिप्ट विंडो। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस नाम से ज़ाहिर हो रहा है तो विच अलाउज मोर देन, कितने होंगे मल्टीपल रिग्रेशन में, दो से ज़्यादा होंगे, होंगे कौन से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए मल्टीपल रिग्रेशन इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है कि यूज द वेरिएबल एक्स टू प्रोडिक्ट सम आउटकम वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। वेरिएबल एक्स यूज़ करके प्रोडिक्ट करेंगे वाई को, आउटकम होगी हमारी वाई, रिग्रेशन की ये टेक्निक है सारी। उसके बाद जो क्विज है कि डिफ़ॉल्ट विंडो विल हैव द डाटा एडिटर व्हेन टू शीट्स नेम्ड, यानी डिफ़ॉल्ट विंडो एडिटर जो है वो टू शीट्स नेम्ड होंगे, वो कौन से नेम है, डिफ़ॉल्ट विंडो में डाटा व्यू है और वेरिएबल व्यू है, ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, मुझे यकीन है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।